हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसलिए जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, जो फायरमैन के मेडिकल के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों अभी तक की यही है कि आपके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है। दोस्तों, मैं बाहर आया हुआ था रात में, आप सोच सकते हो मैं बाहर आया हुआ था, फिर मेरे पास ईयरफोन है नहीं और ज़्यादा जोर से मैं बोल भी नहीं सकता, इसलिए मेरे को यह वीडियो एमरजेंसी में यहीं पर लानी पड़ रही है। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को मतलब कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो उस चैनल को जरूर जाके ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, आप दिखाते हैं कि फायरमैन का जो मेडिकल को लेकर नोटिस है वो क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें, सबसे पहले हमने आपको 26 जुलाई का और 27 जुलाई को एडमिट कार्ड हमने सबसे पहले यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल ने दिखाया था, जो कि प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर के दो जो एडमिट कार्ड थे वो जारी हुए थे, उसमें कुछ लोगों को डाउट था। लेकिन दोस्तों, अब जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है कि 26 जुलाई से फायरमैन के मेडिकल हो जाएंगे और जल्द से जल्द इनकी जो नियुक्ति है, आपको जो आपको भरोसा दिलाया था कि 15 अगस्त मतलब आप जो झंडा फहराओगे, अपनी वर्दी में फहराओगे, इस बात का वचन आपका भाई देता दोस्तों। इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें, बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और दोस्तों, जो टेलीग्राम जो चैनल है उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास कुछ भी नहीं पता, वेबसाइट पर कोई नोटिस आते नहीं है। तो आपके लिए फिलहाल जो मुख्यालय बना हुआ है वो यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है, इस चीज़ का दावा हम आपसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नोटिस को। दोस्तों देखिए, नोटिस अभी अभी आया है और दोस्तों आप समझ सकते हो हमारे डेडिकेशन लेवल की हम पर क्या बीतती है, हम रात को सो भी नहीं पाते। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आप एडजस्ट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय लखनऊ 23 जुलाई को रिलीज हुआ है ये। दोस्तों इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लखनऊ जेल वार्डर फायरमैन वर्षावार के अंतर्गत घोषित चयन परिणाम के अनुसार 2065 फायरमैन के चिकित्सा परीक्षा एवं सत्यापन के संपादन हेतु प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी बुकलेट हैं, जो उसमें निर्देश दिए गए हैं कि आपका जो चर्चा सत्यापन और मेडिकल को लेकर। चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। कृपया, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा लखनऊ ने अपने प्रति संख्या 8 जुलाई, अरे ये चीज़ लिखते ही हैं कि अजय क्या करें, अब यह दूसरा पॉइंट, उक्त संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ कर्मचारी फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की वैसी होगी जैसे प्रक्रिया उस पर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात इसमें ठीक है। अब बात है, यह निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा चर्त सत्यापन की कार्यवाही जनपद प्रभारी द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई बुकलेट जो जनपद को भेजी जा रही है के मूल आधार बनाकर करेंगे। मतलब कि जो हेडक्वार्टर लखनऊ है उसके द्वारा बुकलेट बनाकर एक कॉलम जिसमें कि कॉलम दिए गए हैं कि ये चेक हो गया डिब्बे वाला, वो उन्होंने उनको भेजा है प्रभारी को, तो उस प्रकार से आपके मेडिकल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, उक्त फायरमैन 2065 चयन अभ्यर्थियों की चिकित्सा से कार्यवाही के संबंध में लखनऊ द्वारा बुकलेट फायर सर्विस की आईडी पर अपलोड की जा रही है। मतलब कि उनका उनकी विभाग ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, उक्त के अनुपालन में सेवा नियमावली जेल वार्डर के, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, अर्थात कुल 5805 पदों की भर्ती 2018 फायरमैन के नवचयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा औवलिक चर्त सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकलकर आपके लिए ये आ रही है कि जो आपके चर्त सत्यापन और मेडिकल की जो प्रक्रिया आपकी, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के वो जो सत्यापन हो चुके हैं, प्लस में जो मेडिकल किसी को मिल गया था मेडिकल का एडमिट कार्ड, तो उनको जल्द से जल्द आपका कल 24 या 25 तारीख को वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए आप धैर्य बना कर रखें दोस्तों कि 26 जुलाई से आपके अब स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज़ अब ऑफिशियली हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों और नीचे और क्या जानकारी दी गई, फायरमैन पदों की भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा और सत्यापन की कार्यवाही 26 जुलाई से प्रारंभ होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश ना होकर अन्य राज्यों में है, वो चिकित्सा परीक्षा सत्यापन की कार्यवाही हेतु निम्न तालिका, जैसे दोस्तों हमारे साथ ही हैं राजस्थान के हैं, तो उनका आगरा में चिकित्सा परीक्षण होगा। इस प्रकार से आप खुद देख सकते हो, अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु उन्हें गृह जनपद की पुलिस लाइन में अथवा जैसा कि उपयुक्त अनुसार प्रस्ताव उल्लिखित है वो नियत
तिथि पर प्रातः 9 बजे उपस्थित होने संबंधी बुलावा पत्र संबंधित गृह जनपद या लखनऊ एवं के राज्य के आवर्ती हेतु। दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि जो आपका मेडिकल है आपके गृह जनपद की पुलिस लाइन में होगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और क्या, चिकित्सक प्रशासनिक कार्रवाई जनपद द्वारा उसी अभ्यर्थी को की जाएगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ सूचित है। और उल्लेखनीय चैनल अभ्यर्थियों को चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक माप बाट माप द्वारा सामूहिक रूप से प्रमाणिक मानकीकरण का प्रयोग किया जाए। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई कराई जाए। इस संबंध में निर्देश किया जाता है कि जिलाधिकारी मुख्य जिलाधिकारी संबंध प्रत्येक मंडल स्तर पर मतलब जनपदीय चिकित्सा बोर्ड तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर अपने निदेशक स्वास्थ्य के समय स्थापित कर मंडलीय चिकित्सा बोर्ड का गठन कर लिया जाए, ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा पुलिस लाइन में संपन्न कराई जाएगी। गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष हेतु उपस्थित कराया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा स्थल पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास उस दिन चिकित्सा परीक्षा हेतु संबंधित जनपद द्वारा निर्गत बुलावा पत्र उपलब्ध होगा। संबंधित पुलिस लाइन में चिकित्सा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की पहचान जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पत्र में लगी फोटो से की जाएगी एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में तैयार रजिस्टर दर्ज कराई जाएगी, ठीक है। उक्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी में समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर जनपदीय चिकित्सा बोर्ड तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर निदेशक स्वास्थ्य स्थापित कर, हाँ दोस्तों ये आपका CMO या आपका हेड रहेगा, इसलिए आप धैर्य बना के रखें। दोस्तों आपको मैंने ये बता दो, आज तक आपको ऐसी कोई खबर हो जो मैंने आपको सबसे पहले ना दी हो। दूसरी बात, जब मैं सबसे पहले खबर लाता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे को सर्वे करना पड़ता है कि ये कहीं फेक तो नहीं है, उस चीज़ की मेरे को जानकारी करनी पड़ती है। हर जो चीज़ मैं बताता हूँ हर चीज़ वो एकदम सत्य निकलती है, तो फिर आप लोग उस चीज़ को शेयर करते हो। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट करते हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को भी आपको सपोर्ट करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना है। सबसे पहले आपको खबर दी जा रही है। दोस्तों मैं बाहर आया हुआ था, आपको बता भी नहीं सकता कितना मैं डिप्रेस और कितना परेशान चल रहा हूँ कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन दोस्तों आपके लिए फिर भी जैसे ही आपके लिए नोटिस आता है मैं तुरंत मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगैरह करते रहा करो। देखिए दोस्तों अब हाँ, इस नोटिस को मैं जैसे ही वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो ख़त्म होने के 10 मिनट बाद इस नोटिस को मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको डाल दूंगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्लस में कमेंट में पिन कर दूंगा। यही आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं साथियों, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस यार आप सबका काम हो लिया, बस आपको जो बातें बताई हैं सत्य निकलती है ना, बिल्कुल अंदर से आवाज़ आती है कि है कोई UPSI लवर यूट्यूब चैनल गौरव मथुरा से जिसने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं दी जो गलत निकली हो, और सबसे पहले खबर देते हैं दोस्तों। इस चीज़ के लिए भी यार हमारा थोड़ा मोटिवेट कर देना कमेंट वगैरह में, तो यही हम आपसे चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप नोटिस को एक बार पढ़ लीजिए, इसमें क्वालिटी बढ़ाकर 2 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो क्वालिटी बढ़ाकर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। उसके बाद दोस्तों क्या है, और आप देखो ये अदर स्टेट वाले हैं ना जिनका बिहार या झारखंड है उनका तो वाराणसी होगा, जो मध्य प्रदेश है उनका होगा झांसी में मेडिकल होगा, और जिनका छत्तीसगढ़ है उनका प्रयागराज में, और जिनका राजस्थान है उनका आगरा में, जिनका दिल्ली हरियाणा उनका मेरठ में, और पंजाब वालों का होगा सहारनपुर में, और जो अन्य इसके अतिरिक्त जिले से हैं उनके लिए लखनऊ में होगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी आप सच में हमको बताइए। फ्रेंड्स दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कुछ इस वीडियो में हम आपको नहीं बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य ज्वाइन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए मेडिकल के लिए सुबह की सुबह वीडियो आपकी आ जाएगी, रात में चाहे मेरे को 4 घंटे लगे मैं आपके लिए वीडियो बना के तैयार कर दूंगा कि किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका जो मेडिकल है वो जनपद गृह जनपद की पुलिस लाइन में होने जा रहा है। जैसा कि आप जो गांधी का नाम, तो गांधी जी का नाम आपने सुना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, गांधी की पूरी मेहर रहेगी। निश्चिंत रहो, घर रहो, सुरक्षित रहो। सबसे पहले फायर वाले जाएंगे और हमारे उसके बाद जेल वाले, और हमारे घुड़सवार पुलिस वाले, मेरे 102 साथी हैं, मेरे को एक एक की फिक्र रहती है। मेरे साथियों घुड़सवार पुलिस वालों घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, मंगल या बुधवार तक तुम्हारा ऑफिशियल नोटिस आ रहा है, तुम्हारा भाई इस चीज़ का वचन दे रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं जब तक मैं हूँ। और जेल वाले साथियों तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, आपके लिए शपथ पत्र का प्रारूप है, मैं वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। आज जो मेरे साथी अयोध्या के 42 साथी थे, आप उनसे पूछ के देख लेना कि आपने कौन सा फॉर्मेट लगाया था, उन्होंने मेरा 14 पॉइंट वाला फॉर्मेट लगाया था, और किसी ने एक
प्रश्न तक खड़ा नहीं किया और सारे के सारे एकदम ग्रांड फिट, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। इसलिए आप धैर्य रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बस आपकी जीत में ही हमारी जीत होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।